अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना जिंदगी में हमेशा। जो आज मेरी जिंदगी की कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसको अच्छे वाइफ में, अच्छी सोच में और अच्छी जिंदगी में शामिल करना, क्योंकि मैं जिंदगी की हर छोटी बड़ी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारी इसके अंदर गहराई होती है पर वो मैं नहीं करती, लेकिन आपको महसूस करके अपनी जिंदगी के अंदर ये शामिल करना और आपको इससे कुछ ना कुछ अच्छा ही जीने की राह मिलेगी। फिलहाल तो आज मैं मेरे बच्चे का सुबह इंस्टाग्राम के जो पोस्ट डाली, मैंने सब लोगों से दरख्वास्त की थी खास कि आज मेरे बच्चे बहुत नरम थे, तो सुबह से उनके लिए दुआ कीजिए। तो मैं हमेशा ये चीज़ों पर बहुत यकीदा रखती हूँ और मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोली। ये सदके का जो ये सदका निकालना, एकदम कड़क से इस पर बरकरार रहना और इसको एकदम ज़िंदगी में शामिल रखना, मैं पहले करती थी पर इतना नहीं करती थी। जो ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए सदका निकालना और उस पर बरकरार रहना, ये मुझे अय्यूब ने सिखाया है और अय्यूब का करोड़ों एहसान है कि अय्यूब ने मुझे अच्छी कुछ चीज़ें ज़िंदगी में जो उन्हें सिखाए और मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको गांठ बांध ली हूँ। इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में किसी से सीखती हूँ तो उसको शामिल कर लेती हूँ। तो शुक्रिया अय्यूब, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी दिल की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ, जैसे आप मेरे लिए दुआ करते हो कि उनकी दिल की ख्वाहिश पूरी हो और वो खुश रहे, तो मैं भी दिल से चाहती हूँ कि आपकी भी हर दिल की ख्वाहिश पूरी हो और आप भी खुश रहो। ज़िंदगी में और भी राह है, और भी चाह है, और भी मंजिलें हैं, ठीक है? तो फिलहाल तो मैं देखो ये 26 रुपये है, ये दोनों मेरे बच्चों के नाम का सदका निकाल रही हूँ। अल्लाह इनकी शिफा दे, अल्लाह इनको परेशानियों से दूर रखे, नजर बुरी नज़रों से दूर रखे। इस नाम का, इस बात का ही सबका निकाली मेरे बच्चों का। और ये रहा 113 रुपया जो मैंने कल फ़ोन ली हूँ नया, तो वो फ़ोन का सदका है। ये मैं अभी निकाली हूँ उसको, अभी फ़ोन को टच करके फिर इसको निकालूंगी सदका के बाद, क्योंकि हम कहते हैं कि सदका निकालने से हर बला, हर परेशानी दूर रहती है। और आज जो मैं ज़िंदगी की जो मतलब मैं तो ऐसे डेली निकालती हूँ, लेकिन आज जो काम से मैं बाहर निकल रही हूँ, ख़ास वो काम का, क्योंकि ये चीज़ अय्यूब ने सिखाई थी कि जो भी काम से जाते हो तो पहले उस काम का यकबात करके सदका निकाल कर निकलना, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। और मैं ये बात को बहुत यकीदा भी रखती हूँ क्योंकि अल्लाह की बातें झूठ हो नहीं सकती। तो ये 113 रुपया जो मैं अभी काम से जाने वाली हूँ, उस काम का सदका निकाली हूँ। तो फिलहाल सुबह की शुरुआत पहले तो तिलावतों से ख़त्म हुई है और बस मेरे बच्चों के हमारे सदके से शुरू हुई है, तो अल्लाह इसमें बहुत बरकत ही देंगे। और फिलहाल आज जो मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, वो ज़िंदगी आप ऐसे लगता होगा ना कि मेरी ज़िंदगी कितनी खुशहाल है, कितनी दाग है और इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ये ऐसी बात हम लोगों के साथ और आप लोगों के साथ ऐसा लगता है पर ऐसे होता नहीं है। ज़िंदगी एक ये माध्यम है जो मैं हमेशा इसको मेंशन करती हूँ कि एक अल्लाह ने कोई चीज़ अगर आपको दी है, देखो अल्लाह दौलत भी सबको दे देता है, प्यार भी सबको दे देता है, इज्जत भी सबको दे देता है, पर उसको दुनिया में दिखने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। और वो अल्लाह की मर्ज़ी होती है जब उसको वो मौका मिलता है, और लोग तो बहुत जद्दोजहद करते हैं इस चीज़ों के लिए, लेकिन मुझे मेरे सरकार गरीब नवाज़ का तोहफ़ा है। मैंने हमेशा ये चीज़ को बरकरार रखी और ज़िंदगी में बरकरार रखूँगी। और कहते हैं ना, किसी का तोहफे में कभी भी कोई खलल नहीं आने देनी चाहिए, तो ये मेरे सरकार का तोहफा है। तो इंशाल्लाह मैं इसमें कभी ना झूठ का दाग लगने दूंगी, ना गंदगी उड़ने दूंगी। फिलहाल ज़िंदगी जैसी चल रही है उसी तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ, बीता हुआ कल भी शेयर करती हूँ, आने वाला कल जो सोचती हूँ उसको भी बताती हूँ, और जो प्रेजेंट है उसको भी मैं आपको बताते रहती हूँ। फिलहाल आज का दिन तो बहुत भारी है मेरे लिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके सामने जब भी आती हूँ, मैं चाहे जितनी भी दुखी हूँ, मैंने कभी आपको जाहिर नहीं होने दिया कि मेरे दिल में इतना दुख है, ये मेरी ज़िंदगी में इतना दुख है। मैं हमेशा उस दुख को साइड रख के आप लोगों के सामने हंसता हुआ चेहरा, अच्छी बातें, अच्छी चीज़ों को ही बयान करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लाखों लोग देखते हैं, और वो इस चैनल के ज़रिए साबित भी होता है कि लाखों लोग मुझे देखते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मायूसी, मेरी मायूसी मैं दिखाऊँ तो लोगों की ज़िंदगी में वो मायूसी आए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड काफ़ी लोगों की ज़िंदगी होती है जो मैसेज के ज़रिए मुझे पता चलता है कि वो भी ये ज़िंदगी जीते हैं और ये ज़िंदगी वो जी चुके हैं। तो इसीलिए मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी जो मायूसी की ज़िंदगी है, जो अंधेरे वाली ज़िंदगी, मैं आपके सामने कभी लाऊँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी बहुत अंधेरा है, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत मायूसी है। फिलहाल आज बहुत तकलीफ़ का दिन है मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने अपने माँ बाप के घर पर रही, तो मेरे ज़िंदगी में 12 साल की उम्र से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी माँ को सिंगल मदर, जब होश आया, जब समझ आई,
तो मैंने अपनी माँ को मेहनत करते हुए देखा और सिंगल मदर के रूप में देखा। और जब भी इतने हम पढ़े लिखे नहीं थे, इतने एजुकेशन नहीं था, तो पता नहीं था कि सिंगल मदर का वैल्यू क्या होता है। बस ये देखते थे कि हमारी माँ बहुत मेहनत करते हैं और हमको मेहनत के पैसे उसे पालते, और बस वो जिंदगी देख देख के पता नहीं अल्लाह ने कहाँ से अपने आप को मेरे अंदर ताकत दे दी। तो जो आप लोग जिसको अप्रिशिएट करते हो कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, आप बहुत हिम्मत वाली औरत हो, शायद इसकी शुरुआत मेरी माँ को देखते देखते से हुई। क्योंकि हम एक स्लम एरिया में रहते थे और आप सबको पता है कि स्लम एरिया की जिंदगी कैसी होती है, 100 तरीके की बातें होती है। अगर एक लड़की बाहर जाकर अगर अकेले जाती है तो 100 तरीके की बातें 100 लोगों के मुँह से सुननी पड़ती है। लेकिन हमने हमारी माँ को, मुझे खास करके मैं अपना बताऊंगी क्योंकि हम 3 बहन हैं, तो मैंने अपनी माँ को देखकर ही शायद मेरे अंदर ही इतनी हिम्मत पैदा हुई। क्योंकि एक मेरी माँ सिंगल मदर होके 3 लड़कियों को जवान करना और उनको इज्जत के साथ विदा करना, हाँ ये अलग बात है कि मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हो गई जो शायद मैंने खुद अपनाई थी वो जिंदगी में। क्योंकि अपनी माँ को जब मेहनत करते हुए देखी तो मुझे बड़ी महसूस होता था कि या अल्लाह मैं अपनी अम्मी के लिए क्या कर सकूं, क्योंकि मेरी अम्मी को लड़का नहीं था। तो देखो ये एक अच्छी रूह, कहते हैं ना कि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि आपका सोल बहुत प्योर है, आप बहुत अच्छे सोल है, बहुत अच्छी रूह है। तो ये हकीकत है कि आपको खुद महसूस करना चाहिए वो चीज़ें कि आपके अंदर कौन सी चीज़ है। तो मैंने अम्मी को जब हमेशा तकलीफ में देखी, काम करते हुए देखी, परेशान देखी, तो मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं छोटी बच्ची थी। लेकिन मेरी एक 12 साल की जब उम्र में मैं आई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी पर्सनालिटी दी थी मुझे कि 12 साल की उम्र में ही मुझे ऐसा लगता था कि 15-18 साल की मैं दिखती थी। तो उस वक्त स्लम एरिया में हम रहते थे और स्लम एरिया में घरों में बहुत सारे काम होते, क्योंकि उस टाइम मेरी कच्ची उम्र थी, पढ़ाई का दौर था, मैं क्या कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन दिल में एक ख्वाहिश थी कि अम्मी के लिए कुछ ना कुछ करना है, अम्मी का मदद करना है, अम्मी की हेल्प करनी, ताकि अम्मी को थोड़ी सी रिलैक्स फील हो। तो घर में हम एक मोती का काम है, ऐसे बक्कल होता था उस पर मोती लपेटा जाता था। उस टाइम से मेरा दिमाग चलता था, मैं अपने डिजाइन उनको बनाकर देती थी और वो मार्केट में पास हो जाते थे। हालांकि मैं कुछ डिजाइनर का काम नहीं सीखी हूँ, बस ये अल्लाह की देन है मेरे अंदर। तो उस वक्त से मैं 12 साल की उम्र से मेरी अम्मी की शुरुआत करी थी। क्यों? क्योंकि मेरा दिल चाहता था कि मेरी माँ के लिए कुछ करूँ। ऐसे देखते देखते उम्र बढ़ती गई और जिंदगी आगे चलती गई। फिर उसके बाद आया दौर मेरी बहनों का। लेकिन जब ये छोटी सी उम्र से मैंने काम शुरू की तो आप समझ लीजिए कि मेरे कदम घर के बाहर निकल चुके थे। तो उस वक्त मैं अपनी बहनों को देखती थी। तो कहते हैं ना कि एक अच्छी सोल और एक अच्छी रूह जब होती है ना, तो वो अपना नहीं सोचती, वो दूसरों का सोचती है। जिस तरीके से आज भी मैं अपने बच्चों का सोचती हूँ, जिस तरीके से मैंने अय्यूब के लिए सोचा था, उसी तरीके से यही मतलब जिंदगी की जो आपकी जो सोल होती है ना, वो आपके मरने तक आपके साथ ही रहेगी। जो सोच है वही अंदर है, वही आपको बाहर लाना है। और मैंने फिर बाद में देखा कि मेरी बहनें, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बहनें घर के बाहर हो। मैं ये चाहती थी कि बस वो पढ़े लिखे और अपने कदमों में, अपनी जिंदगी में अपने मकाम पाए और इज्जत के साथ ये घर से विदा हो, मेरी माँ के घर से। उस बीच में मैं काम करती थी, उसी बीच में एक मेरे दिल जिंदगी में एक सबसे खुशी का पल यह आया कि मुझे कासिम ने पसंद किए, और वो भी उनके दोस्त का। मैं जब उस टाइम से मैं जमीनों का काम करती थी, लेकिन आज मैं इन्वेस्टर हूँ, उस टाइम मैं ब्रोकर का काम करती थी। किसी की भी जमीन हो, किसी की भी जगह हो, मैं उसको सेल कराती थी, मुझे परसेंटेज मिलते थे। तो एक उनके दोस्त थे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, जिनका काम मैंने की थी वो उनसे मैं बात कर रही थी वो भाई से। तो कासिम उनकी गाड़ी में बैठे थे, तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी तो बोले हमारे से भी कभी मिलिए, हमारे से भी कभी बात कीजिए, ये तो बहुत तारीफ करता है, तो एक बार मैं मिलना चाहूंगा आपसे। तो मैं बोली जरूर जरूर, आपका भी कुछ काम हो तो जरूर बताइए मुझे। इस तरीके से ना उन्होंने मुझे देखा था ना मैंने उन्हें देखा था, कासिम के साथ मेरी इस तरीके से बात शुरुआत हुई। और जिस दिन वो मिलने आए, बस मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह का करम था, या अल्लाह की कौन सी ऐसी मेरी चीज थी जो अल्लाह ने पसंद की कि मेरी जिंदगी में कासिम को आप लेकर आए। और उन्होंने एक ही नज़र में देखकर मेरे पर दिल हार गए, लेकिन मैं नहीं दिल हार पाई क्योंकि मैं अपने माँ बाप की, अपने घर की जिम्मेदारियों से इतनी बंधी थी। मैं तो सिर्फ काम की तलाश में उनके पास मिली थी और ये चाहती थी कि उनसे मुझे कोई ना कोई काम मिले ताकि मैं 2 पैसे कमाऊँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी इतनी हसीन लिखी है, इतने हसीन पल लिखे हैं, और अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि कासिम को मेरी ज़िंदगी में लाए। ये बहुत दुख है कि अल्लाह ने बहुत जल्दी उनको मेरी ज़िंदगी से लेकर चले गए, लेकिन अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह की मर्जी है, जब चाहे तब वो ले सकते हैं।
उसमें हम बोलने वाले कोई नहीं होते, और इंशाल्लाह ताला बस ये जो कुछ पल गुजरे हैं ये थोड़ी सी शुरुआत की, और इसी इसके अंदर मॉडल अप स्टोरी क्या आपको बयान होगी वो आप समझ सकते हो, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगी, एक अच्छी सोल जो होती है ना वो जिंदगी भर आपके साथ होती है। उसके बाद फिर एक दौर ऐसा आया कि फिर मैंने कासिम से शादी कर ली। कासिम से शादी करने के बाद मैंने एक बहन की शादी की, एक बहन की शादी पहले ही कर चुकी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जज्बा था, वो जो मैंने मेरी माँ के लिए जो मेहनत कर जो मैं उनके लिए काम कर जो मेरी बहनों के लिए मेरी अम्मी के हाथ में जो भी मेरे जो मैं कमाती थी सारा मेरी अम्मी को दे देती थी, तो मेरी अम्मी ने जिंदगी भर जब तक जिए उन्होंने हमेशा उस चीज़ का अहमियत करे। अब मेरी बहनों से भी यही बयान करते थे कि आज जो कुछ भी है वो मेरी बेटी का है, इसमें आप लोगों का कोई हक नहीं, आप इसका हक नहीं रखते हो आप मांगने का, ये जो वो अगर चाहे तो आप लोगों दे सकती है, वो नहीं चाहे तो नहीं दे सकती, ये मेरी अम्मी के बात थे। लेकिन मैंने मेरी बहनों का हक कभी नहीं मारी, जो मेरे पास था मेरी अम्मी जाने के बाद जो सबका हिस्सा था मैंने सबको दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई अपना बयान नहीं कर रही कि मैं अच्छी हूँ, मैं ऐसे ही हूँ और आज भी ऐसे ही हूँ, और इसीलिए शायद मुझे लोग बोलते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों के बोलने से मैं वो वैसी हूँ नहीं, जो मैं हूँ वो मैं जानती हूँ। इसी बीच इसी जिंदगी गुजरती गई, वो अच्छे पल आए और बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी मतलब 20 साल के आसपास मैं कासिम के साथ जिंदगी बिताई, और आप यकीन कीजिए बाखुदा उस जिंदगी में मैंने कभी कासिम से ना दाटी, कैसी होती है मर्द की दाटी, मतलब चिल्लाकर औरत को किस बात करते आदमी, वो भी मुझे नहीं पता था। मैं मेरे शौहर के साथ उस जिंदगी में भी देखो मैंने क्या कहा कि दुख और सुख अंधेरा और छाव दोनों लगा रहता है, पर आपको ये महसूस करना चाहिए कि आपको कौन से पल उसमें ज्यादा खुशी देते थे, तो आपको वो जिंदगी में शामिल करना चाहिए। वो मेरे शौहर थे, ठीक है बातें होती थी, घर है बच्चे है होता था, लेकिन उन्होंने ना मुझे कभी गाली दिए, ना मुझे डांटी दिए, ना मुझे मारे, हाँ लेकिन होती थी थोड़ी बहुत तो तू में होनी है, लेकिन कभी वो लंबी नहीं होती थी। उसके बाद वो पल आया भी और चला भी गया, उसके बाद तो इतना गंदा दौर आया, इतना गंदा दौर आया, आज जो मैं ये मकाम, आज जो मैं आप देख रहे हो जिस घर में मैं बैठी हूँ, एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ये घर भी बेचने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि मैं अली के स्कूल की फीस भी नहीं भर सकती थी, इतनी भी मेरी ताकत नहीं रह गई थी जब कासिम मेरी जिंदगी से चले गए थे, क्योंकि वो इतने कर्जे में थे तो वो कर्जा दे, वो और इतने खुददार आदमी थे कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर वो कर्जा चुकाया, वो चाहते थे कि मैं किसी का कर्जा लेकर नहीं जाऊं जिंदगी में, तो वो मैंने कभी उनका हाथ नहीं रोकी, क्योंकि अच्छी चीज के लिए कभी आपको हाथ नहीं रोकना चाहिए, अगर आप अच्छी चीज के लिए हाथ रोकोगे तो बुरी चीजों में ऑटोमेटिकली आप शामिल हो जाओगे। तो फिलहाल वो जिंदगी मेरी वो गुजर गई। उसके बाद एक दौर आया कि मैं अकेले मादा अपने बच्चों को लेके 15 साल चली, उसमें भी मैंने बहुत अप डाउन देखे। मैंने आपको कभी नहीं छुपाया कि मैंने ब्याज का भी काम किया, मैंने ब्रोकर का भी काम किया, ब्रोकर मतलब स्ट्रेट एजेंट का भी काम किया, और बाखुदा मैंने कभी कोई गंदा काम नहीं किया और ना जिंदगी में करूंगी। अगर वो वक्त ऐसा अल्लाह लाएगा ना तो मैं जहर खा के मरना पसंद करूंगी, पर वो काम कभी नहीं करूंगी, और मुझे मेरे अल्लाह पे इतना यकीन है कि वो मुझे जिंदगी में कभी ऐसी गंदगी में नहीं जाने देंगे। और जो बहनें जिस बहनों से मैं जुड़ी थी ब्याज के दौर पे, मैंने बहुत बहनों को कोशिश करी, और उसमें से 2-3 जन ऐसे हैं जो आज वो दुनिया से दूर होके चटनी रोटी मेहनत के खाते हैं, और मुझे बहुत फख्र है कि मैं इंशाल्लाह ये बातें पूरी बयान तफ्तील से मैं किसी दिन ये ब्लॉग बनाऊंगी और आपको सारी बातें शेयर करूंगी। आज तो फिलहाल जो चीज मैं बताना चाहती वो बताऊंगी मेरी जिंदगी। फिर उसके बीच में 15 साल की जिंदगी के बीच में एक पल ऐसा आया कि उसी तरीके की अचानक से अयूब से मुलाकात हुई, जिस तरीके से कासिम से हुई, मैं नहीं जानती थी कि अयूब के साथ मेरी जिंदगी जुड़ेगी और अयूब के साथ मेरी शादी होगी। मैंने अयूब को देखी, अयूब को देख के फिर 4 महीने बाद जिनके जरिए जो सूरत में रहते हैं, सलमान नाम है छोकरे का और एक और सलमान है जिसको मैं बेटा बोलती हूँ, और जब लास्ट टाइम मैं उनके घर पर गई थी वो अलग है, तो मैं वो सलमान से 4 महीने बाद मिली फिर से वही ट्रेन में, तो मैंने उनको यही लफ्ज बोला कि अरे वो अयूब भाई नहीं दिखे, तो बोले है ना आगे के डब्बे में, बोले अच्छा उनको सलाम बोला, लो ना मेरा नंबर लो और मुझसे जरा सलाम दुआ कराना कि मैं अच्छा लगा था लास्ट टाइम हम जब बात करे थे। ये एक ऐसी शुरुआत हुई थी और मैं नहीं जानती हूँ, मैंने जिंदगी में अपना नंबर किसी को नहीं दी, लेकिन पता नहीं अल्लाह की मर्जी है, गरीब नवाज की मर्जी है कि मैंने सामने से मेरा नंबर उनको भेजे कि मुझे सलाम दुआ की कलाम कराना। ये और बात है कि ये अल्लाह पाक उसी टाइम में शुरुआत हो गई थी, और खैर बहरहाल मैं उससे कभी भी दुखी नहीं थी, कभी भी ना खुश नहीं थी। अयूब से कैसा रिश्ता जुड़ा, अचानक से रिश्ता जुड़ा,
और वो जुड़ने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश थी। और फिर उसके बाद जब अय्यूब की प्यार अय्यूब की बातें देख कर ना मैंने उस पर इतना यकीदा कर लिया कि मैंने तार जिंदगी ये सोचा कि मैं मरने तक कब्र में जाने तक अय्यूब के नाम से और अय्यूब के कंधे पे जाना चाहती थी। और अभी भी मैं वही ख्वाहिश रखती हूँ। ये अलग बात है कि आज भी अय्यूब उसमें गंदगी फैलाने से कम नहीं कर रहे। ये देखो कहते हैं ना, अच्छी सोल और अच्छी बात और अच्छी जिंदगी आपके अंदर ही होती है, वो आपको महसूस करने की जरूरत होती है वो। और अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान के अंदर हर चीज डाली है, तो ये क्यों नहीं मान सकते कि इंसान के अंदर अच्छी चीज भी होगी? होती है, लेकिन वो महसूस करने की बात होती है और उस पर अमल करने की बात होती है। जैसे कि आपको अभी लाइव के जरिए अय्यूब अभी आ नहीं रहे वीडियो उसमें और कहीं भी, लेकिन एक अभी जो उन्होंने लाइव आकर ये बोला था कि 7 तारीख को ऐसा जजमेंट आया, ऐसे ऐसा हुआ, तो वही जजमेंट की बात सेम चीज हुई। क्योंकि इतनी जिंदगी में जी, आपको पता है कि जब अगर हम ब्यास का काम करते हैं, बाहर दुनियादारी में घूमते हैं, तो देखो तूतू मैं भी होती है, बैड वर्ड्स भी निकलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे ऊपर के 6 माले पे जो आदमी रहते थे, शेट्टी थे, वो मेरा 6.5 लाख रुपए लेकर चले गए। एक जिनके साथ मैं बात करती थी, संतोष भाई, संतोष कदम, आज उनके पास भी मेरा कम से कम 37-38 लाख रुपए से, वो भी कहाँ चले गए मुझे नहीं पता। मैं एक बिस्ती डालती थी दूध वाले, यादव नाम है उनका, जादव या, और वो मैं 25 साल से उनके साथ जुड़ी थी, पता नहीं वो 15 लाख रुपए लेके अचानक में कहाँ चले गए। लेकिन मैं आज भी ये मानती हूँ कि मैं अगर इनके साथ इतने सालों से जुड़ी थी, ये लोग अच्छे लोग थे। ये वक्त के तकाजा है कि इंसान मजबूर हो गया, और ये जो 3 साल की जो दौर आया था, आप सबको पता है कि अच्छे अच्छे लोग जमीन पे आ गए। और अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने मुझे जहाँ रखा था वहीं पे मैं आज भी हूँ। बस इस दौर में ये जो चीजें हुई है इस दौर में, हाँ, ये सब करने के बाद भी मेरे नाम पे आज तक ना पुलिस स्टेशन में कोई एनसी हुई, ना तो कोई ऐसा काम हुआ, ना तो कोई ऐसा केस हुआ, कोई चीज मेरे साथ में हुई नहीं। लेकिन अय्यूब के साथ में जिंदगी जुड़ने के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम जीते थे। लेकिन जिन्होंने भी ये चीज की है, मैं आज भी आपको बताती हूँ कि ये छूट है, ये जो केस हुआ है, ये जो हमारे पर जो भी FIR हुई है, जो हमारे पर केस बना है, अय्यूब चाहे जो बोले, लेकिन मैं यकीदा करती हूँ सच पे कि ये छूट है। क्योंकि जो चीज हम पे जो तोहमतें लगी है, जो हमारे पर कलम बना है, हम माहिम थे, दरगाह पे थे, हमने किसी के साथ में ना झगड़ा किया, ना किसी को गाली गलौज की, ना हमारे साथ कोई सामने आए, लेकिन हम पे ये तोहमत लगी, हम पे ये केस बना कि हमने चलती हुई राह पे उनको गाली दी। और ये केस अय्यूब के ऊपर बना और उस पर ये लिखा गया कि इनकी औरत भी थी। और केस का जो 354 जो आपको भी पता है कि ये कभी औरतों पे नहीं लगता है, ये औरतों पे कलम बनता नहीं है, लेकिन बस ये लिखाया गया कि उसकी औरत भी साथ में थी, इसी वजह से मेरे ऊपर भी ये दाग लग गया। मैं दाग नहीं मानती हूँ, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह चाहे, पता नहीं अल्लाह की मसलियत क्या है, अल्लाह कौन सा काम किस चीज से ले ले, मैं नहीं जानती हूँ। तो ये भी मुझ पर तो जब आपको अय्यूब ने बताया थे लाइफ में कि उनको जो जमीन मिली है 2 टाइम उनको आना, तो कल अय्यूब आए थे बॉम्बे, और मेरे मालवनी में भी आए थे, मेरे एरिया में भी आए थे, और जो मेरे जो कलीग है, जो मेरे जिनको भाई बोलती वो उनको भी मिले। लेकिन फिर से उन्होंने वही गंदगी कर गए। आज मैं जही जहाँ जा रही हूँ, मैं भी वही काम से जा रही हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी सब चीजें आगे। तो अय्यूब ने क्या उनको बोल कर गए कि मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, हाँ मेरे पास है उनके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैं उनकी औरत हूँ तो वो मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये बोले नहीं कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दिला दो, मुझे जमीन की जरूरत लगेगी तो ये पेपर्स लगेंगे। ये एक नरमी वाली बात होती है और एक ये जोड़ने वाली बात होती है, जो ये लाइफ में आके क्या, एक औरत को अगर घर संसार जोड़ना है तो वो एड़ी चोटी का जोर लगाती। तो आप मुझे बताइए इसमें एड़ी चोटी का जोर मैं कहाँ लगा। देखो अगर कहने बैठू तो बहुत लंबी बातें होगी, खत्म ही नहीं होगा। तो इंशाल्लाह उन्होंने क्या कहा जोड़ने वाली बात, तो उन्होंने कल भी आकर उनसे क्या कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मेरे डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो उसके साथ साथ उन्होंने जो एक फिर से एक गंदी बात बोली, जो ये सब बातें जो है ना, ये पर्दे के पीछे वाली बातें जो मेरी जिंदगी, वो पर्दे पे आके मीठी मीठी बातें करना, लोगों के सामने ये बताना वो बताना, वो बोलते मुझे आता नहीं, लेकिन वो इतनी पॉलिटिक्स खेलते है ना। ये मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह जो जैसा करेगा उसका असर उसको वैसे ही मिलने वाला, मैंने अल्लाह के ऊपर अल्लाह की जात पे छोड़ दिया ये सब चीजें। लेकिन कल आके उन्होंने क्या बोला, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरा तलाक करा दो। और मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में थर्ड पर्सन को कभी शामिल नहीं की, जो फैसले किए मैंने खुद किए। आपने जब मुझसे शादी किए थे, जब मैंने आपसे शादी की तो हमने ने किसी दूसरे को नहीं पूछा था, तो आप डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हो। तो और एक एक निकाह मेरा फोन पे, मेरे जब मौलाना यहाँ बैठे थे अय्यूब
सूरत में बैठे थे वहां से वो सारी इन्फॉर्मेशन दे के सारी इन्फॉर्मेशन लिखा के फिर वो निकाह नामे पे अयूब ने आके साइन किए थे। एक निकाह मेरा यहाँ हुआ था और एक निकाह सूरत जब मैं गई थी तो अयूब ने खाजा दाना में बिठा के मेरे साथ में निकाह करे थे, क्योंकि मैं इनको बहुत मानता हूँ। तो ये इनके गोरी इनके सामने ये रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ ताकि ये रिश्ते में कभी हमारे दूरियां नहीं आए और कभी ये रिश्ते में गंदगी नहीं आए। तो मेरा एक निकाह सूरत में खाजा दाना दरगाह पे हुआ था। तो इंशाल्लाह चलिए मैं फिर सूरत बहुत जल्दी आती हूँ और आप आ जाइए, जो भी आपको फैसला करना है आप करिए। और इंशाल्लाह ये व्लॉग के जरिए मैं लाइव चालू करूंगी और पूरा व्लॉग लूंगी और मैं फिर पूरी बातें आपके सामने शेयर करूंगी कि क्या अयूब चाहते हैं और अयूब मुझसे क्या मांग रहे हैं और मैं क्या उनको देना दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ। फिलहाल तो वो जो जमीन की बात थी वो अयूब ने कल उधर हाजिरी उनको महीने में 2 हाजिरी उन्होंने बताया तो वो कल लगा कर गए हैं। और अब मेरी मुझे क्लियर मिला है कि मुझे जमीन 15,000 का बॉन्ड भरना है, तो मैं आज उसी काम से वहां जा रही हूँ। इंशाल्लाह ये से फारिग होती। चलिए मैं अभी आपको बता रही थी ना, मेरी तो बहुत सारी स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो सब साथ जितनी मैं मीठे लफ्जों में और जितनी अच्छी बातें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो उतना ज्यादा सर पे चढ़ रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी मुझे लगता है कि अभी तक तो जहाँ पे हूँ मैं अपने हद में ही हूँ, तो आगे का अभी शुरुआत मुझे लगता है करनी पड़ेगी क्योंकि और भी बहुत सारी बातें अब मुझे पता चली है कॉल के जरिए। तो अब मैं उनसे मिलूंगी, कंफर्म करूंगी, देन उसके बाद में मैं आगे आप लोगों के साथ सारी शेयर करूंगी। और एक बात बोलूँ, चाहे हम कितने भी परेशान रहे, चाहे कितने भी जिम्मेदारियों से बंधे रहे, लेकिन हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी बिकॉज ऑफ सिंगल मदर खास करके मैंने अभी तक अपने बच्चों को संभाली हूँ। तो मुझे नहीं लगता, शायद आप मुझे मैसेज के जरिए जरूर बताना कि आपको लगता है कि मैं आज कोई मैं मैरिड वाली औरत दिखती हूँ आपको। आज भी मुझे लगता है कि मैं सिंगल मदर की तरीके से अपने बच्चों को संभाल रही हूँ। तो अब मैं माहिम जा रही हूँ, आपको सबको पता है कि इसी केस के रिलेटेड मैं माहिम पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तो अब मेरे साथ तो मेरा बेटा रहेगा छोटा वाला, और मेरा बड़ा बेटा जॉब से आता है, ये उम्मीद में रहता है कि मम्मी सब इफ्तारी का सामान बनाते हैं। अब उसको ये पता भी नहीं है और मैं उसको बताना भी नहीं चाहती हूँ, तो वो टेंशन लेता है कि क्यों मम्मी जा रहे, क्या हो गया क्या हो गया। तो इसीलिए मैं मेरे बेटे के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बना के रख कर उसको मैसेज कर दूंगी, तो इंशाल्लाह कुछ तो रहेगा घर में। और एक बात ये बताना चाहती हूँ, क्या है, माँ जो होती है ना उसके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो वो कभी हर चीज का सामना करेगी पर अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीठ नहीं फेरेगी। और जिसने पीठ फेर लिया वो कभी अच्छी माँ बन नहीं सकती। और मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ। तो इसी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं बहुत सारी चटनी बना कर रखी हूँ, तो उसी का फायदा उठाया आज मैंने। बस इसको लेके थोड़ा सा इमली का पल्प निकाल के, इमली भिगा लिया था मैंने, तो इमली का रस निकाल के उसी को लेके मैंने पानी पूरी रेडी कर दी हूँ। और फिर से मसाला आलू रेडी की हूँ और पानी पूरी का पैकेट मंगा ली हूँ। तो मेरे बेटे को अब ये सब ये एक्चुअली ऐसा रखूंगी और मेरे बेटे को अली को फोटो भेजूंगी कि बेटा ये सब रेडी करके रखी हूँ, आओगे तो खा लेना, और फ्रिज में भी बहुत सारा सामान है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के फिर रेडी होती हूँ और फिर आपके साथ कनेक्ट करती हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स के फाइल सब रख लिया, ओरिजिनल रखी हुए। चलिए मैं निकल रही हूँ माहिम पुलिस स्टेशन, जो आपको पता है कि कौन से केस का क्या चीज के लिए मैं जा रही हूँ। और मेरा ब्लॉग हो गया बहुत बड़ा, तो इंशाल्लाह मैं अब ये माहिम पुलिस स्टेशन के सारे प्रोसेस जो रहेंगे तो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी, बिकॉज अब मुझे एक्चुअली जाना था जल्दी, लेकिन उनसे बात हुई तो उन्होंने लेट बोला, तो मुझे फिर रोज़ा भी वहीं खोलना है, टाइम हो गया है, तो दोनों का रोज़ा हमारा वहीं खुलने वाला है। और जो भी प्रोसेस रहेगा, जो भी क्या पता अभी क्या होता क्या नहीं होता, तो इंशाल्लाह वो अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे भी नहीं पता है। फिलहाल तो जा रही हूँ अच्छे काम के लिए और गरीब नवाज का नाम लेके जाऊंगी। तो मुझे पता है जब भी मैं गरीब नवाज का नाम लेके जाती हूँ मुझे कभी खाली मेरी कोई चीज़ गई नहीं, और ये भी नहीं जाएगी, और ये तो झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई चीज़ है, ये तो कभी खाली हो ही नहीं सकती। तो बस यही दुआ करती हूँ कि जब भी ब्लॉग आपके पास आए, जो मुझे चाहते हैं और जो सच्चे दिल से मुझे प्यार करते हैं बस उनसे दरख्वास्त करूंगी, बाकी तो दूसरे भी हैं, तो आप लोगों से नहीं, जो मेरे से प्यार करते हैं रियल में उनसे दरख्वास्त करूंगी। बस आप यही दुआ करना, मेरे हक में मत दुआ करना, यही दुआ करना कि जो सच्चाई है ना वो अल्लाह के सामने सर चढ़कर बोले। तो मैं बस निकल ही रही हूँ और इंशाल्लाह दुआ में याद, कहा सुना माफ, गलती हो तो माफ़।